Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. और मेरे भाई क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी खतरनाक प्रो टिप्स जिसमें आप सोलो वर्सेस स्क्वाड आसानी से क्लच कर सकते हो, आप पूरी एक स्क्वाड को अकेले वाइप कर सकते हो। तो इसको मैं एक तीन पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, बेसिक, मीडियम और एडवांस। अब बेसिक, मीडियम और एडवांस का मतलब आप समझ जाओगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिक के लिए ना आपको तीन चीज़ें आनी चाहिए। तो पहली चीज़ आपको, आपका हिप फायर अच्छा होना चाहिए। हिप फायर अगर आप समझते नहीं हो तो बिना स्कोप खोले क्रॉस हेयर से मारना, उसको हिप फायर कहते हैं। आपका हिप फायर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपका एम अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो सबसे मेन है भाई, आपको डरना नहीं है। बस अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें हैं ना तो आपका बेसिक पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बस मीडियम बताता हूँ। तो भाई देखो, मीडियम में आपको क्या करना है ना, भाई देखो जो बेसिक और मीडियम वाला है ना, इसमें बस आपको दो चीज़ें होनी, मतलब कि ये जो बेसिक और मीडियम है ना, इसमें आपको जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो आपको करनी आनी चाहिए, तो आप सोलो वर्सेस स्क्वाड आसानी से निपटा दोगे। तो जो मीडियम है ना, आपको ईयरफोन यूज़ करने, और ईयरफोन अगर चलो आपको मतलब फुटस्टेप समझ में नहीं भी आते ना, तो कम से कम आप ईयरफोन यूज़ तो करो, आपको पता तो चलेगा कि बंदा लेफ्ट से आ रहा है राइट से, इतना तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो इसीलिए ना ईयरफोन ज़रूर यूज़ करना। तो अब मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। एडवांस के भाई बहुत सारी टिप्स हैं, सारी टिप्स को फॉलो करोगे ना तो ज़रूर से ज़रूर आप किसी भी स्क्वाड को क्लच कर दोगे। तो पहली टिप्स अपनी आती है, जैसे आपके सामने कोई स्क्वाड आती है ना, तो भाई आपको सबको इंडिविजुअल मारना है, सबको एक एक करके मारना है। ऐसा नहीं कि भाई पूरी स्क्वाड आ रही है उसके मुँह के सामने आप जाके कूद पड़ो कि भाई मैं सबको मार दूंगा, ना भाई। अगर आपने ऐसा करा तो आप मारे जाओगे। आपको कभी भी एक टाइम पर एक बंदे से ज़्यादा फाइट लेनी ही नहीं है। एक बंदा भी भाई, खुद सोच के देखो भाई, देखो आपके सामने लड़ रहे हैं चार बंदे, सबके पास है 100 HP, आपके पास है सिर्फ 100 HP, तो आपके अपोनेंट्स हो गए टोटल 400 HP। भाई आप 100 HP वाले 400 HP से तो नहीं जीत पाओगे ना। तो आपको हमेशा अपना दिमाग यूज़ करना है, क्योंकि जब अपने सामने जो अपोनेंट है ना उसकी ताकत ज़्यादा हो, तो भाई अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ताकत का नहीं। तो अपना दिमाग का यूज़ कुछ इस प्रकार करना है कि आपके सामने बस चार बंदे ना हो, एक टाइम पे एक ही बंदा हो, चाहे आप सबको इंडिविजुअल करके मारो या सबको एक ही टाइम पे मारो, कुछ भी करो, अपना पूरा दिमाग लगा दो। क्योंकि आपको तो पता है डिवाइड एंड रूल, जो कि बहुत टाइम पहले हमारे साथ होता था, अब हम पबजी में यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत तगड़ी चीज़ है। तो ये तो अब थी एडवांस टिप की है पहली चीज़। अब दूसरी टिप ये है कि आपको हमेशा क्लोज रेंज में ना हाई डैमेज वाली गन यूज़ करनी चाहिए। बहुत लोग करते हैं क्या, M4 ले लेते हैं और M4 से मारने लग जाते हैं। भाई अच्छी गन है, लेकिन अगर आप M4 की जगह AKM को यूज़ करोगे ना, तो आपको सिर्फ 2 से 3 हेड मारने पड़ेंगे, बंदा अपने आप ही नॉक हो जाएगा। अब M4 में भाई सबको पता है यार M4 कितनी तगड़ी गन है, लेकिन वो है मिड रेंज और लॉन्ग रेंज। वो मिड शॉर्ट रेंज के लिए भी अच्छी है और क्लोज़ के लिए भी अच्छी है, लेकिन भाई अगर क्लोज रेंज में अगर आप AKM बैरल जैसी ग्रोज़ा जैसी गन यूज़ करोगे तो ज़्यादा एफर्ट पड़ेगा। अब भाई अगली टिप, कभी भी भाई जो लोग AWM छोड़ देते हैं ना, भाई AWM मत छोड़ना। बाई चांस आपके ऊपर एक गाड़ी पुश कर रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो आप AWM से एक आधे को तो गिरा ही दोगे ना गाड़ी से। वरना अगर आपने AWM से चलो एक गिरा भी दिया, अब वो बंदे या तो रुक जाएंगे या फिर नहीं रुकेंगे। अगर वो रुक गए तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपके पास AWM आप निपटा सकते हो आसानी से। अगर वो नहीं रुकते हैं, वो सीधा आपके ऊपर पुश करते हैं, आप जिस घर में होल्ड करे हो उसके ऊपर आने ही चाह रहे हैं ना, तो भाई सिंपल से प्यारा सा एक नेड कुक करो और तैयार रखो, जैसे ही वो आ जाए उनके ऊपर नेट फेंक दो, आसानी से भाई साहब पूरी स्क्वाड निपट जाएगी और भाई कोई बचेगा भी नहीं। यार खुद सोच के देखो एक बार। ये तो यार सेकेंड टिप। अब थर्ड टिप एंड जो फाइनल टिप है ना, वो यार सबसे ज़्यादा काम की है, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड में भाई तुम्हें यार 3 से 4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है। पहले आपके पास एक क्लोज रेंज बढ़िया वेपन होना चाहिए, दूसरा आपकी दोनों गने रिलोड होनी चाहिए, तीसरा आपके पास नेड वेड होने चाहिए और एक मोलोटॉफ ज़रूर होना चाहिए, चौथा आपके पास एक स्मोक भी होना चाहिए, पांचवा आपके पास हमेशा अच्छे वेस्ट और अच्छा हेलमेट होना चाहिए जो कि ठीक ठाक हो। अगर आप किसी स्क्वाड से फाइट लेने जा रहे हो तो आपके पास कम से कम लेवल 2 का सामान होना चाहिए, लेवल 2 के गियर्स होने चाहिए। बैकपैक चाहे 1 का हो वो चलेगा, लेकिन लेवल 2 के गियर्स होने चाहिए। और अगर आप किसी गन, मतलब आपके पास कोई गन है बढ़िया सी, उसके अंदर कम से कम 60 गोली होनी चाहिए, तब पुश करना, मतलब बैकअप के लिए 60 होनी चाहिए और
गन के अंदर ऑलरेडी जितनी फुल होनी चाहिए, तो ध्यान रखना भाई। और आपका जो गेयर्स है वो लेवल 2 का होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, क्योंकि अगर आपके सामने लेवल 3 वाला बंदा भी आता है ना, तो आप थोड़े बहुत मेहनत करके निपटा दोगे। अगली मेन टिप भाई, अगर आपके सामने पूरी की पूरी स्क्वाड गाड़ी लेकर आ रही है और आप ओपन में घूम रहे हो, तो भाई आपको तब क्या करना है? ओपन में तो वो आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा के निकल जाएगी। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ओपन में नहीं घूमना। दूसरी चीज़, किसी मजबूरी की वजह से आपको ओपन में घूमना पड़ता है ना, आपको पता चलता है गाड़ी आ रही है, तो भाई ईयरफोन, पहली बात तो मैंने पहले ही कहा है ईयरफोन ज़रूरी है, ईयरफोन से आपको पता तो चल जाएगा गाड़ी आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में से वो आ रही है ना, पहले तो वहाँ से हट जाओ। और फिर वैसे ही मैंने जैसे पहले कहा, प्यारा सा ग्रेनेड कुक करो, गाड़ी पर फेंक दो, 1 से 2 बंदे नॉक हो जाएंगे, तीसरे बंदे को आप खुद ही नॉक कर दोगे, चौथा बंदा भाई साहब उसकी हालत हो जाएगी ख़राब, और इस वजह से भाई साहब उसकी फट चुकी होगी, और वो मतलब इतना डर के खेलेगा ना, आप उसको आसानी से जाके निपटा दोगे। अगर आपके पास 1.5 HP भी है ना, तो भी आप उस बंदे को आसानी से निपटा सकते हो, अगर वो थोड़ा बहुत खेलना जानता है तो। अब भाई लास्ट एंड फाइनल टिप, अगर आप किसी घर में होल्ड करे हुए और आपके ऊपर स्क्वाड पुश करती है, तो भाई देखो, पहली चीज़ तो यार ऐसी जगह DPP लो जहाँ पर थोड़ा नेट वेट का खतरा ना हो, और बंदे जैसे आए ना निपटा दो। जैसे स्क्वाड हाउस में होता है, अगर आप ऊपर की ओर चढ़ते हो, रेड वाले स्क्वाड हाउस की बात कर रहा हूँ, तो सीढ़ियाँ वहाँ पर मेन होता है, तो भाई आप वहाँ पर DPP ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादा नेट वेट का खतरा नहीं होता, और होता भी है ना तो ज़्यादा लोग ना वहाँ पर नेट कर नहीं पाते हैं, ठीक है। और अब जो आपको एक मेन टिप देना चाहूँगा ना भाई, देखो अगर आपका फाइट होता है किसी अपार्टमेंट में, स्टेडियम में, तो भाई स्टेडियम के अंदर तो बंदों को घुमा दो बिल्कुल, एक बंदा मारो पोजीशन चेंज कर लो, दूसरा बंदा मारो फिर से पोजीशन चेंज कर लो, पोजीशन ऐसे चेंज करो कि बस एक के बाद एक जगह भाई कभी मत रुको। एक जगह रुकने से आपकी पिटाई ज़रूर होने वाली है भाई, बहुत गंदी पिटाई होगी अगर एक ही जगह रुके रहोगे तो। तो भाई मैं जितना भी यार आपको इस बार की वीडियो में टिप्स दिया ना, तो भाई उसको प्लीज़ ज़रूर यूज़ करना, आप हर एक क्लोज रेंज और मिड रेंज लॉन्ग रेंज फाइट भी जीत जाओगे। अब मैं आपको मिलता हूँ यार अगली वीडियो में, तो अगर आपको मिड रेंज और लॉन्ग रेंज वाली फ़ाइट के बारे में जानना है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मिड रेंज वाली वीडियो कल आने वाली है। और हाँ, सारी टिप्स याद रखना, अब जैसे पबजी लाइट अनबैन होगी ना यार, सब टिप्स आपको काम आएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं चलता हूँ, और गुड बाय। Enemy down.